हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। मुझे यहाँ थोड़ा सा काम करना है। जो बर्तन साफ करके रखे हुए हैं वो स्टैंड में लगाने हैं मुझे, और इसके साथ ही मुझे एक काम और करना है जो कि मुझे अभी याद आया है। मैंने एक दो दिन पहले धनिया सुखा कर रखा था, उसे पीसने की मुझे याद नहीं रही थी, और आज मुझे दिखाई दे गया तो मैंने सोचा चलो पहले धनिया पीस लेते हैं वरना फिर भूल जाऊंगी। तो पहले ये बर्तन लगा दूं स्टैंड में, उसके बाद मैं धनिया पीसूंगी और फिर मुझे बनाना है खाना। टमाटर की सब्जी बनाई है और थोड़ा सा बनाना है मुझे खीरे का रायता, जिसके लिए मैंने एक खीरा कस लिया है। वैसे पहली बार बना रही हूँ मैं, मुझे पता भी नहीं है कैसा लगता है, बस सुना है कि खीरे का रायता बनता है। तो अपने और कृष्णा के लिए बना रही हूँ क्योंकि इन्होंने मना कर दिया है, ये नहीं खाने वाले खीरे का रायता, तो इनके लिए अलग से दही निकाल के रख दूंगी। और अपने और कृष्णा के लिए बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा तो फिर से बनाऊंगी। बस एक छोटा सा खीरा कसा है, इसका ही रायता बना के देखते हैं आज अच्छा लगता है या नहीं। चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं रायता। यहाँ पर मेरी सब्जी तैयार है, बस इनके लिए दही निकाल के अलग से रख दूं पहले। तो खाना खा लिया है दोपहर का हम तीनों ने, उसके बाद बस मैं आ गई हूँ किचन में, किचन का जो काम होता है वो करने के लिए। तो पहले बर्तन साफ़ करने हैं, उसके बाद थोड़ा सा किचन समेटना है, और जो आज रायता बनाया था मैंने खीरे का तो वाकई में बहुत अच्छा लगा। पहली बार बनाया था जैसे, लेकिन अच्छा बहुत लगा। इन्होंने पहले मना किया था खाने को कि मैं नहीं खाऊंगा इस रायते को, लेकिन उन्होंने भी रायता खाया, इन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना जिन्होंने आज तक नहीं बनाया, हमें तो बहुत अच्छा लगा है। चाय की जगह बना रही हूँ मैं मैंगो शेक। कौन कौन पिएगा बताओ जल्दी जल्दी। पापा पिएंगे, मैं तो चाय पीऊंगा। तू अरे जी तू और पिए ना। मैं ना पीने का, अरे चाय पीऊंगा। जीभ तो इसकी चुलबुला रही, देखो देखते ही वैसे पानी आ रहा है, देखो मुंह। ओके बार पहली बार बन गया है, इस बार इस टाइम तो कई बार बन जा रहा, दोबारा आ भी नहीं आए। अभी तो मुंबई आम रहा है ना, इसमें कोरोना बहुत रहा है, और हम आरामी से खाने को मन रहा है। लाइट तो आने में आना ही लाइट ना, तो मिक्सी तो इसे चल रही है भाई। एक का बहुत है, दोनों का बना लो। अरे चलो तो बना ले, तो काट ले, थोड़ा सा खराब सा होगा। हाँ तो दोनों का ही बना ले, दो दो गिलास तो आई जाकर डेढ़ डेढ़। Thank you.
तो यहाँ पर बैठ गए हैं हम तीनों मैंगो शेक पीने के लिए। और गर्मी में ऐसी ऐसी चीज़ें अच्छे भी बहुत लगती हैं, जैसे कि लस्सी हुई, मैंगो शेक, बनाना शेक, बहुत ही अच्छी लगती हैं और हमें पसंद भी है। हर बार हम बहुत ज़्यादा बनाते थे लेकिन इस बार नहीं बना पाए, पहली बार ही बना है, क्योंकि ये वाले आम गाँव में बिकने नहीं आ रहे। कल कोई आया था बेचने तो हमने लिए थे, तो और आज हमने मैंगो शेक बनाया, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर बैठ गई थी मैं सब्जी काटने के लिए, और आज मुझे शाम के खाने में बनानी है सिंपल सी लौकी की सब्जी। तो मैं अभी फ्री थी तो मैंने सोचा चलो सब्जी काट के रख दूँगी, तो फिर उसके बाद छोकना छोकना ही रहेगा, तो काट के अच्छे से धुल के और प्याज व्याज सब काट के रख दूँगी, उसके बाद बस मुझे सब्जी में छौंक ही लगाना रह जाएगा। और बस अब आ गई हूँ मैं किचन में सब्जी को छौंकने के लिए। तो पहले मैं सब्जी छौंकूंगी, उसके बाद मुझे साथ के साथ आटा लगाना है, और शाम के टाइम भी बहुत काम होते हैं, जल्दी शुरू कर देते हैं तो जल्दी ही निमट जाते हैं, वरना बहुत लेट हो जाता है। तो पहले सब्जी छौंकनी है, फिर आटा लगाना है, उसके बाद मैं दूध लेके आऊँगी, और फिर शाम का दीपक भी जलाना है। और यहाँ पर आटा लग चुका है, अब मैं इसे ढककर रख दूंगी। और चलिए अब अपनी वीडियो का यहीं पर एंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और प्लीज़ सपोर्ट करना, हेल्प करना।